राजनीतिक स्वार्थी कर रहे हनुमान जी महाराज का अपमान। हनुमान जी के चालीसा को पढ़कर अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए अपमानित कर रहे राजनेता, इसी को लेकर सेवकों ने उद्धव ठाकरे, नवनीत राणा, फहमीदा हसन का पुतला फूंका। ग्वालियर में 26 अप्रैल को संकट मोचन हनुमान बालाजी मंदिर गोलपाड़ा के चरण सेवक जगवीर दास तोमर ने बताया कि वर्तमान में हम सबके आराध्य अजर अमर का वरदान पाए प्रभु हनुमान जी के चालीसा को जिस तरह अपमानित किया जा रहा है वो सहनीय नहीं है। आस्था और विश्वास मन में है या मंदिर में है, उसे दुनिया के किसी भी स्थान पर नहीं रोका जा सकता, न ही उसका कोई विरोध कर सकता है। लेकिन जब आस्था स्वार्थी हो जाए और सड़कों पर आ जाए, दूसरों के घरों के दरवाजों पर आ जाए, तब वो आस्था नहीं रहती। इसी तरह महाराष्ट्र के अमरावती के निर्दलीय सांसद श्रीमती नवनीत राणा ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा की। सेवकों का मानना है कि घोषणा करने की क्या आवश्यकता थी, चाहे जब चाहे जहां हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है, हमें पढ़नी है, हनुमान जी महाराज को सुनानी है। लेकिन राजनीतिक स्वार्थ ने प्रभु के चालीसा को स्वार्थ का साधन, मजाक या अपमानित प्रक्रिया बना लिया है। प्रभु हनुमान जी आपका अपमान राजनीतिक लोग कर रहे हैं, वहीं नवनीत राणा कर रही थी वो भी कर नहीं पाई और महाराष्ट्र की सरकार ने उन पर राजद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया जो सभी तरह से गैर कानूनी अनुचित है, जिसका समय पर न्यायालय से निर्णय होकर आएगा। ऐसे प्रकरण में राजद्रोह जैसा अपराध मानना भी हनुमान जी महाराज का अपमान है, हल्की राजनीति है। इस तरह उद्धव ठाकरे जी हनुमान जी महाराज का अपमान किए। दोनों ही घटनाओं को देखकर एनसीपी की एक मुस्लिम नेता फहमीदा हसन ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निवास के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने की घोषणा कर दी। ये सब क्या है? क्या आस्था है? क्या धार्मिकता है? क्या प्रभु का प्रेम है? आखिर ये सब क्या है? देश में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है और हम और आप सभी हनुमान जी महाराज के अपमान को सहन कर रहे हैं, देख रहे हैं और मूक बने हुए हैं। लेकिन गोलपाड़ा बालाजी मंदिर अपनी आस्था और विश्वास का प्रतीक है, जहाँ न दान दक्षिणा चढ़ाई जाती है, न किसी व्यक्ति का सम्मान होता है। वहाँ कोरोना काल के समय में भी मंदिर को बंद नहीं किया गया, तो इस तरह का अपमान कैसे सहन कर लिया जाएगा? मंगलवार को यहाँ सांसद श्रीमती नवनीत राणा, उद्धव ठाकरे एवं फहमीदा हसन का पुतला सेवकों के द्वारा फूंका गया और आगे भी सेवकों को लगेगा कि हनुमान जी महाराज का अपमान हो रहा है तो ऐसे व्यक्तियों का पुतला फूंका जाता रहेगा। टीवी खोलकर देखते हैं हनुमान चालीसा पर विवाद, कितना दुख होता है, कितना अफसोस होता है। हमारा महाराष्ट्र का जो राजनीतिक नेता है वो दिमागी दिवालिया पागल हो गया है, वो नहीं जानता हनुमान जी महाराज क्या हैं। उनका 480 साल पहले तुलसीदास जी ने जो चालीसा लिखा हनुमान जी पर, उस हनुमान जी को किस तरह से अपमानित कर रहे हैं। अभी अभी एक निर्दलीय सांसद जो अमरावती से है वो बोलता है हम किसी का घर, यानी कि उद्धव ठाकरे का घर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ेगा। भाई, हनुमान चालीसा गुनने का चीज़ है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है। इसे आप मन से पढ़िए, इसे आप घर में पढ़िए, इसे आप मंदिर में पढ़िए। आप किसी के घर के दरवाजे पर जाकर क्यों पढ़ना चाहते हैं? ये स्वार्थी राजनीति, ये हमारे हनुमान बाबा को बदनाम कर रही है, अपमानित कर रही है। इसका आज यहाँ विरोध किया गया है। साथ ही जब नवनीत राणा अपने घर से निकली ही नहीं और उन्होंने घोषित स्थान पर हनुमान चालीसा पढ़ा ही नहीं, तो राजद्रोह कहाँ से हो गया? तो सरकार में रहे जो दल है उस दल ने उन्हों पर राजद्रोह लगा दिया। तो हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ने पर और घोषित स्थान पर नहीं पहुंचने तक और राजद्रोह लग जाता है, तो आखिर हनुमान चालीसा है क्या? वहीं इन
दोनों चीज़ों को देखकर एक फहमदा हसन है, वो कहती हैं हम मोदी जी के दरवाजे पर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। आखिर हनुमान चालीसा को इन राजनेताओं ने समझ क्या लिया है? हमारे सनातनी, हमारे साधु संत, हमारे हनुमान भक्त, हमारे सेवकगण आहत हैं कि आखिर हनुमान चालीसा को लेकर इस तरह का विवाद क्यों। हनुमान चालीसा अपने आप में सार्थक है, आध्यात्मिक है, धार्मिक है, जो हमें आत्मशक्ति देता है, हमें हनुमान जी महाराज से जोड़ता है। हनुमान जी महाराज अजर और अमर हैं। आज यहाँ तीनों ही लोगों के, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे, फहमिदा हसन और नवनीत राणा का पुतला सेवकों के द्वारा फूंका गया है, और जो भी हनुमान चालीसा पर विवाद खड़ा करेगा पढ़ने के मामले में या अन्य तरीके से, उनका इसी तरह विरोध यहाँ किया जाता रहेगा। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP Today Network को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।